हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है कल की डेट में पर दो वीडियो से रिलेटेड हमने यहाँ पर बात करी थी ये ये स्टॉक तीन परसेंट तो ये भी स्टॉक एक परसेंट से ज्यादा यहाँ पर भागता हुआ तो दिखाई दिया तो इसी तरीके से अच्छे स्टॉक्स को अगर आप टाइमली यहाँ पर वॉच करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा और गल्फ से रिलेटेड एक वीडियो आज की डेट में दोबारा आएगी क्यों आएगी क्योंकि यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को आपको डिस्कस करने थे इसके रिस्क के रिवार्ड रिस्क के रिलेटेड एक और बातें करनी थी उससे रिलेटेड बातें यहाँ पर वीडियो आती हुई दिखाई देगी और अगर आपको हमारी फाइनेंशियल सर्विस और इसी तरीके से स्टॉक्स को चुनना है कि किस तरीके से स्टॉक्स को चुन के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप हमें यहाँ पर फॉलो करिए ओके हमें आप पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उस नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है और वहाँ पर हम आगे बात करके आप अपने पोर्टफोलियो को एक कंस्ट्रक्शन करा कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं अच्छा पैसा में पर हमारे थ्रू आप कमा सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और आज के दिन में बात करने वाले एक पेनी स्टॉक से रिलेटेड

इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्या करती है वो जानना बहुत जरूरी है सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर लिखी रहा है ब्लूचिप टैक्स इंडस्ट्रीज इन मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिस्टर टेक्सचराइजिंग यान तो यहाँ पर पॉलिस्टर हुई कंपनी दिखाई देती है यहाँ पर और भी कुछ जानने के लिए इनकी यहाँ पर कंपनी पे जाइए देखिए यहाँ पर पॉलिस्टर बनाती हुई यान बनाती हुई दिखाई देती है सिंथेटिक यान एज वेल एज अगर हम देखें तो सिलवासा में यहाँ पर गुजरात में पड़ता है सिलवासा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पर इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये इनके जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं पूरे मार्केट में यहाँ एक्सेप्ट किए जाते हैं और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ओके okay, और यहाँ पर कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है तो यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानने के लिए यहाँ पर ऊपर दे रखा है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं तो कंपनी 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 से से रिलेटेड तो तो पर पर एक तरीके से यहाँ पर आप अगर देखें तो टेक्सटाइल में एक काम करती हुई दिखाई देती है सेल्स ओनली वन टाइप ऑफ यान एंड टू स्टेड ये बनाती हुई दिखाई देती है ज्यादा कुछ कंपनी नहीं बनाती है इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो सेल्स ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पर द कंपनी डज नॉट हैव द एक्सपोर्ट रिवेन्यू एंड इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचते हैं प्रेजेंटली द यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर जैसे कि सिलवासा और यहाँ पर दादरा एंड नागर हवेली में यहाँ पर इनकी फैसिलिटीज हैं न्यू फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी स्टेब्लिश इट्स न्यू फैसिलिटी डूरिंग टू थाउजेंड एटीन इज लोकेटेड एट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट मसत सिलवासा 16 so, करोड़ फॉर द फैसिलिटी आउट ऑफ विच 10 करोड़ वर्ष टुवर्ड्स प्लांट एंड मशीनरी तो उनमें 16 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा कंपनी 16 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है और कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है 32 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट वैल्यू है बत्तीस करोड़ रुपए और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस वन के आसपास है अब आप कहेंगे पेनी स्टॉक्स का मतलब वन सिक्सटी का तो ये पेनी स्टॉक्स नहीं हुआ तो पेनी स्टॉक्स इसे ही कहा जाता है पेनी स्टॉक्स का मतलब किसी प्राइस से रिलेशन नहीं होता

ओके okay, इसके बाद यहाँ पर शेयर यहाँ पर क्रैश होता हुआ दिखाई दिया और एक यहाँ पर अगर देखिए तो लंबा कंसोलिडेशन का चीजें यहाँ पर दोबारा भागती हुई दिखाई दे रही है कंपनी के बारे में अगर यहाँ पर कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो देखिए डिविडेंड हेल्दी डिविडेंड देती हुई नजर आती है टेन इयर्स में अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ तो ट्वेंटी थ्री परसेंट की सेल्स ग्रोथ भी है यहाँ पर डेट इन कंपनी का कम होता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर गुड uh, क्वार्टरली यहाँ पर रिजल्ट भी पेश करती हुई नजर आती है ये कंपनी इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे तो देखिए सेल्स सेल्स देखेंगे तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर एक डायनेमिक में चल रही थी उसके बाद यहाँ पर पेंडेमिक आया तो उसकी वजह से यहाँ पर सेल्स बिल्कुल ही डल होती दिखाई दी दोबारा यहाँ पर सेल्स अच्छी खासी होती हुई दिखाई दी है और इस साल को छोड़ दे दिसंबर 2018 को तो यहाँ पिछले आ, ग्यारे सा, ग्यारे महीने क्वार्टर में ये कंपनी की जो सेल्स है वो हाईएस्ट सेल्स आती हुई दिखाई दी है है जो कि एक अच्छी बात होती है। यहां पर और भी कुछ पैरामीटर्स देखे तो कंपनी की यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट टू करोड़ रुपीज के आसपास का है जो क्योंकि यहाँ पर आज यहाँ पर इस साल को छोड़ दे दो सितंबर 2019 को छोड़ दे तो उसके बाद उससे पहले नहीं आया पिछले बारह क्वार्टर में और इसके बाद नहीं आया इस बार का यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दिया जो कि क्वार्टरली बेस पे बात करें तो भी ज्यादा है ईयरली बेस पे बात करें तो भी ज्यादा है तो यहाँ पर हमें यही देखना होता है कि क्वार्टरली ईयरली बेस पे कंपनी किस तरीके से यहाँ पर नंबर पेश करती है अच्छे नंबर पेश करती है तो मतलब कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर

जो पांच करोड़ का प्रॉफिट था जो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा था फिर उसके बाद गिरता हुआ दिखाई दिया बट अभी भी कंपनी धीरे धीरे यहां पर अब बढ़ती तो तो अच्छा हुई बट अभी हमें यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेस पर ही बात करनी है तो जो की हमें अच्छे खासे नंबर दिखाई दे रहे हैं रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजर्व अच्छे खासे चौबीस करोड़ के बट यहाँ पर दस करोड़ की कंपनी का बोरिंग भी है बट ये कम होती हुई दिखाई देख सकते हैं आप यहाँ पर तेईस थी फिर अठारह करी सत्रह करी दस करोड़ तो कंपनी का यहाँ पर बोरिंग कम हो रही है बोरिंग कम होने का यहाँ पर फायदा यह होगा कि इंटरेस्ट कम जाएगा इंटरेस्ट कम जाएगा तो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा इसके अलावा जो भी यहाँ पर ये चीजें बेचते हैं जो भी सामान बेचते हैं जो भी स्टॉफ ये बेचते हैं वहां से यहाँ पर इन्हें पैसा आता हुआ दिखाई देता है एज वेल एज यहाँ पर आर की बात करें जो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है बट धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पर इनकी सेल्स ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली बात है ये चीजें दोबारा से बैक टू ट्रैक आ हुई नजर आएगी प्रोमोटर्स की बात करें प्रोमोटर्स के पास 2018 में छप्पन परसेंट के शेयर थे 19 में इन्होंने 60 परसेंट के शेयर करे और एज इट इज आज की डेट में ये बने हुए यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स uh, अपने शेयर नहीं बेच रहे एफ डीआईस की बात करें पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट की शेयर है ना के बराबर ही समझिए पब्लिक की बात करें थर्टी नाइन पॉइंट नाइन फोर लगभग चालीस परसेंट के शेयर है और चालीस में से भी यहाँ पर देखेंगे तो ग्यारह बारह परसेंट के यहाँ पर आप निकाल देंगे तो लगभग लगभग यहाँ पर वो ही के आसपास की, की यहाँ पर होल्डिंग नजर आती है तो अट्ठाइस की रिटेल इन्वेस्टर और बड़े लोग यहाँ पर सब नजर आते हैं बट ये छोटा शेयर है छोटी कंपनी है यहाँ पर बत्तीस करोड़ की मात्र कंपनी है तो ऐसी ही कंपनी को यहाँ हम देखते हैं कि ऑपरेटर ऑपरेट करते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ पर ये जो स्टॉक्स है ओके यहाँ पर मुझे नजर आता है कि अच्छा खासा आपको यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है बट हमेशा याद रखिएगा कि ये जो स्टॉक्स है ये स्टॉक्स आपको यहाँ पर रिस्क पूरा भर भर के यहाँ पर रिस्क नजर आएगा और रिस्क लेने की अगर आपकी क्षमता है In that case ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचिएगा अदरवाइज यहाँ पर आप रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क और इन्वॉल्व है यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर यहाँ पर कितना गया था 300, 201 रुपए के आसपास गया था उसके बाद यहाँ पर शेयर करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि अगर हम ज्यादा ज़्यादा लालच में न पड़ केवल के एक के रेंज बाउंड ही हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर इसके ऑल टाइम हाई तक भी जाता है तो तेईस परसेंट के रिटर्न होते हैं और हमारा लक्ष्य ही ये होता है हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि बीस परसेंट क्वार्टरली या हाफ ईयरली हमें रिटर्न मिल जाए ओके okay, हमारे लिए मोर देन इनफ है और इसी से वेल्थ हमारी क्रिएट हो जाएगी लॉन्ग टर्म में हम रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में फिर चीजें यहाँ पर बिगड़ती हुई भी नजर आती है और इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कल हमने देखा था राउंडिंग टॉप ओके okay, राउंडिंग टॉप में चीजें यहाँ पर आ, गल्फ की जो हमने बात करी थी तो वहां पर चीजें गिरती हुई नजर आई थी और यहाँ पर अगर बात करें एक 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 दायरा होता है अगर उस दायरे के अंदर अंदर चीजें चलती हुई दिखाई देती है तो यहाँ पर और एक अच्छी खासी रैली आ सकती है अगर मैं यहाँ आप पर आपको दिखाऊं तो देखिए राउंडिंग बॉटम तो बन चुका है और देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम ये बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आप देखिए ये राउंडिंग बॉटम पूरा का पूरा बनाता हुआ नजर आ रहा है इस लेवल को ओके okay, जो ये लेवल है जिसने लास्ट टाइम भी क्रॉस नहीं किया इस लेवल को अगर क्रॉस कर लेता है तो चीजें याद रखिएगा कितनी भागती हुई नजर आएगी तो चीजें बहुत बेहतरीन आपके इसके रिजल्ट निकलते आएंगे जो कि यहाँ पर कितना आता है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके रिजल्ट इसके जो टारगेट है काफी बेहतरीन टारगेट नजर आते हैं बट इसके लिए ये जो पॉइंट है वो निकलना जरूरी है और ये थोड़ा बहुत टाइम का नहीं है थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद ये यहाँ पर इसके रिजल्ट निकलते आएंगे तो सब यहाँ पर देख सकते हैं लगभग तीन सौ सैंतीस रुपए तक का टारगेट नजर आता है तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है सबसे पहले हमारा टारगेट है तेईस का उसके बाद हमारा टारगेट यहाँ पर ये यह नजर आता है अगर हम इसे इसे देखते हैं तो यहाँ पर ये यह जो इसका टारगेट है ये आएगा 84 परसेंट का और 84 पे फिर फिर यहाँ पर एक टारगेट नजर आएगा 119 का और फिर इसके बाद अगर चीजें रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा याद रखिएगा ये सारी चीजें जो ये बॉटम पैटर्न बनते हैं या फिर जो ये हमने कल डिस्कस किया था यहाँ पर गल्फ वाला राउंडिंग टॉप बॉटम राउंडिंग टॉप वाला और ये राउंडिंग बॉटम की जो हम बात कर रहे हैं ये सब चीज रिजल्ट पे डिपेंड करेगी अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो चीजें ऊपर की तरफ निकलेगी ओके आपको रिवॉर्ड देखे हुए जाएगी बट अगर चीजें यहाँ पर अच्छी नहीं निकली रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो याद रखिएगा ये शेयर फिर उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ भी नजर आ सकता है यहाँ पर ये इसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा क्रैश हो सकता है बट रिजल्ट अच्छे है Okay, पर अभी एक कर रहा है और अच्छा तो चीजें तो इसी तरीके का चार्ट पैटर्न कुछ दिन पहले एक और बना था उस शेयर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है बट उसमें भी हमने राउंडिंग बॉटम से रिलेटेड बातें करी थी वो आज की डेट में ऊपर है तो इसी तरीके से चीजें चलती है हाँ तो मुझे याद आ गया उस शेयर का नाम राजेश एक्सपोर्ट राजेश एक्सपोर्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना के निकला था यहाँ पर हमने बात यहाँ पर के लगभग हमने बात करी थी उसके बाद देखिए चीजें यहां से निकल के ऊपर की तरफ गई अब देखिए इसे का ये लेवल क्रॉस करना इसे बहुत जरूरी है ये लेवल अगर इसने क्रॉस किया फिर इसके बाद एक और और ये सब चीज किस पर डिपेंड करेगी रिजल्ट रिजल्ट अच्छे आएंगे तो चीजें इस तरीके से निकलती हुई नजर आती है ये चार्ट पैटर्न हमें इंडिकेट करता है बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना कमेंट रिक्वेस्ट है जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश करें, जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम यहाँ पर आपको इस तरीके के बेहतरीन स्टॉक्स चाहे पैने स्टॉक्स हो चाहे कोई किसी भी तरीके का स्टॉक्स हो आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस